शुरुआत करेंगे आज जो मूव आ रहा है आईटी स्टॉक्स में। मिड कैप आईटी में तो खैर पूरे अर्निंग सीजन में देखा था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में जो पिछले 3-4 दिन में बाइंग हुई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये क्या एक बार्गेन बाइंग है या फिर एक स्ट्रेटजिक बाइंग, शॉर्ट कवरिंग या फिर एक फ्रेश रैली की शुरुआत? आपका व्यू क्या होगा? अनुज, ऑलवेज अ प्लेजर। अगर आप देखिए आईटी में, अगर आप एफआई देखिए, 16 दिन लगातार बाइंग हुई थी, पर एफआई आईटी में 6,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, और कुछ हद तक जो पेन है वो कुछ हद तक प्राइस में था। आपने भी बहुत अच्छी एक बार चर्चा करी थी प्री पोजिशनिंग की। प्री पोजिशनिंग दोनों तरफ होती है, अच्छे नतीजों को लेके भी होती है और खराब न्यूज को लेके भी होती है। मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ एक पॉकेट्स में, जैसे एलटीआई माइंडट्री है, वहां पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिविटी थी। जब से मर्जर हुआ है तब से ही थी। अब लगभग लगभग 5,000 के नजदीक पहुंच गया है। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा 14-15 के अर्निंग मल्टीपल पे थे। तो थोड़ा सा वहां भी मुझे लगता है कि मार्केट ने थोड़ा सा, टेक महिंद्रा देखेंगे कि 3 डिजिट में आ गया था। कुछ मिड कैप आईटी के नंबर बहुत अच्छे आए, परसिस्टेंट का नंबर बहुत अच्छा था। केपीआईटी ने तो खैर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आगे का गाइडेंस भी अच्छा दिया है। थोड़ा सा हमने टाटा एलेक्सी में भी देखा कि जिस हिसाब से कंसर्न था ईआरडी स्पेस पे, उतने खराब नतीजे नहीं आए। तो थोड़ा सा वहां भी लगभग 7,000 के आसपास स्टॉक है। तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो जैसे पिछले साल मेटावर्स को लेके था कि डिस्टर्ब करेगा, अभी एआई को लेके सबका अपना अपना व्यू है। मुझे याद है जब मैं एमबीए करता था तो Y2K को लेके होता था कि सारे सिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे जब 2000 आएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर नेगेटिविटी है, और थोड़ा सा नैसडैक से मुझे लगता है आईटी को थोड़ा सा कैचअप करना चाहिए, बट अभी भी सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम अच्छा वैल्यू है और सब कुछ, एवरीथिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स। क्या याद दिला दिया आपने आज Y2K है बिल्कुल। अनुज सब सब डरे हुए थे उस वक्त। अच्छा गुरमीत, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो ये स्विंग आ रहा है, आई मीन जो भी पिछले 3 दिन में 4 दिन में डेवलपमेंट हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिस कमेटी की जो बातें उन्होंने रखी, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका क्या कन्विक्शन लौट रहा है स्पेस में? हमारे लिए वेंद्र जी ज्यादातर ये अवॉइड ही रहा है। एक स्टॉक जिस पे हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हुए थे, वो अंबुजा और एसीसी का सीमेंट पैक पे, थोड़ा मेरा बायस भी है सीमेंट को लेके। और एसीसी की मैंने आपको चर्चा करी थी बीच में, जब वो नीचे आया था 1500-1600, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी नीचे चला गया था। अंबुजा भी अराउंड 300 रुपीज के आसपास जब नेगेटिविटी पीक पे थी, एक कंसर्न आया था कि जो उन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस किया था कि एक एसीसी अंबुजा अल्ट्राटेक के बाद एक सेकेंड डोमिनेंट फोर्स बनेगा, 100-110 मिलियन टन का कैपेसिटी का, उसको लेके कंसर्न है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक तेजी है, इंफ्रा लेट तेजी है और हाउसिंग डिमांड लेट तेजी है, जिसको हमने देखा ब्याज दर भी बढ़ी, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो मेंटेन्ड है। उसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं, फ्यूल कॉस्ट कम हुआ है, तो जो आपका मार्जिन है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बेटर होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये न्यूज की सुप्रीम कोर्ट लेट पैनल का जो फाइट, उसको लेके थोड़ा सा अभी कंफ्यूज है। ज्यादा इसने रीड नहीं करना चाहिए, और पूरी तरह जब ये पूरा 3-4 महीने में प्ले आउट हो जाएगा, आप कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर एक ऐसा पैक है जो मुझे पॉजिटिव लगता है। इसमें हम मतलब लार्ज कंपनीज तो देखते ही हैं, कुछ छोटी कंपनीज भी देखते हैं, जैसे सागर सीमेंट है। थोड़ा बहुत हमने रैमको को भी ट्रैक किया है। अब मुझे एसीसी, मैंने आपको बताया हमने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया था अपने नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में। तो मेरा व्यू कंस्ट्रक्टिव, मेरा ओवरऑल व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव है बिल्डिंग मटेरियल्स को लेके। तो उसमें केबल्स एंड वायर्स, सैनिटरी वेयर, इवन टाइल मेकर्स, मुझे लगता है ये काफी बड़ी, ये साइकिल लंबी है। बीच बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, आपने देखा भी कुछ स्टॉक्स। बट आप देखिए पॉलीकैब को देखिए, लगभग नए हाई पे 20,000 करोड़ के टर्नओवर की ऑलरेडी बात कर रहा है। और एफएमईजी जब थोड़ा सा पिकअप होना शुरू होगा, वो भी मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा गुरमीत, एक और चीज़, बैंकों में अब इस समय बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई तक जा जाकर रोज रुक रहा है, क्या अब बैंकों में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन होगा? क्योंकि नंबर्स हमने सारे देख लिए, सारे नंबर्स शानदार थे, लेकिन एक कंसर्न ये आ रही है कि क्या ये पीक अर्निंग्स थी इस क्वार्टर में, खासतौर से मार्जिन्स को लेकर। आपका व्यू क्या होगा? तो अनुज, जब जब आप बैंक निफ्टी 44,000 देखेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा तो ब्रेक लगेगा, जिस तरीके से बैंक्स में रन अप आया है। और मुझे लगता है यहाँ भी, जैसे मैंने आईटी बोला, ये मार्केट जब आप 20 के अर्निंग मल्टीपल पे हो तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। रेट्स अभी नीचे आना शुरू नहीं हुए, ये एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। तो मुझे लगता है एसबीआई के नतीजे बहुत अच्छे थे, अगर आप बड़े बैंक्स की बात करें। बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया कि उनका जो नेट एनपीए था, उनसे कुछ उनको एआरसी से भी रिकवरी आई।
मैंने बहुत समय बाद SBI का 1.2-1.3% ROE देखा है, 18% ROE देखा है, इतनी अच्छी क्रेडिट कॉस्ट। आप उनका स्लिपेज रेशियो देखिए 0.6% है, आप क्रेडिट कॉस्ट देखिए 32-33 पैसा है, आप ऑटो लोन और होम लोन में जो रिटेल में उनका मार्केट शेयर देखिए, होम लोन में 31% मार्केट शेयर, 6 लाख करोड़ से ऊपर की बुक है, ऑटो लोन में 20% मार्केट शेयर। ये एक ऐसा PSU बैंक है जिसने 5 साल में मार्केट शेयर गेन किया है, बाकी PSU बैंक से मार्केट शेयर लूज किया। तो मुझे लगता है अभी भी 1.1-1.2 के बुक मल्टीपल पे है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनफैक्ट प्रीवियस पीक से अभी भी 10% नीचे। तो मुझे लगता है कि SBI शायद एक दो क्वार्टर, और हमने देखा उसका निम बढ़ा है, और अब जब ये 2000 नोट को लेके हुआ है, मुझे लगता है डिपॉजिट्स का फायदा होगा और उससे कॉस्ट ऑफ फंड्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट होना चाहिए लाइबिलिटी साइड पे। सिमिलरली छोटे बैंक्स में मुझे लगता है कि जैसे कुछ बैंक्स हैं जो अभी भी अच्छे मल्टीपल पे हैं, IDFC फर्स्ट है, फेडरल बैंक है, कुछ हद तक RBL भी है, थोड़ा सा स्लिपेज बढ़ा था उनका, बट 0.7 बुक वैल्यू पे। तो थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव होना चाहिए, और हो सकता है, मुझे लगता है ICICI HDFC वहां पे शायद थोड़ा सा कोटक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन शायद देखने को मिल सकता है कुछ समय के लिए।